सिवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और सास गंभीर रूप से घायल हो गए। गोपालगंज से शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे एक ही बाइक पर सवार तीन लोग हादसे का शिकार हो गए। घायल दोनों महिलाओं को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के झुन्नापुर गांव के पेट्रोल पंप के समीप की है। मृतक उसरी हसनपुरा का रहने वाला चंद्रमा महतो था। वहीं घायल महिला मृतक की पत्नी सुगंती देवी और सास लीलावती देवी है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर गोपालगंज से माधोपुर से शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान झुन्नापुर गांव के समीप बाइक चालक का आंख झपक गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बाइक की टक्कर के बाद तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने बाइक चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल दोनों महिला का इलाज चल रहा है। अपने गाड़ी मने तेज रहला नि घबरा गेल ब्रेक रोक हमरा में तक चाहती हो मुआ गई नहीं कर दो बड़ी नी नून लाग रहला तब तो लड़ा दे झपकी आ गेल बिया के जागरण लगा के खत्म ना तो ना लड़का नहीं कई बार तीन बार करना घर पर घर पर उसी का काम कर रहा कहां जात रही लौटा रंगे के बिया में तो घर ही जात रही अच्छा बिया सब कहां वाला बिया हुआ बिया वाला माधोपुर माधोपुर गोपाल का हां एक के बाइक पर रहे तीनों आदमी हां वहां के चलाओ तो नहीं राहुल का लागे नहीं वहां के पति नहीं अच्छा और पति है लड़का का बड़ा सनुरा हां कब हो तीन गो लड़की तीन गो बच्ची और एक एगो बाबू बड़ा यहाँ का करे नी चंद्रमा जी अच्छा मजदूरी के काम करे राहुल का नाम हो सुगंती अरे वो पति के चंद्रमा जो उबर है उनकी गाड़ी चलाओ तो आओ के माँ है वहाँ का नाम हो लीलावती देवी तो घर कहाँ हो पुसरी हसनपुरा कहाँ गए रहनी है माधोपुर गोपालगंज का शादी होती में लौटा रहनी है का कैसे भाई ले कहीं आप रुके मैंने गाड़ी गाछी में लड़ गई है गाछी में लड़ गई तीनों आदमी के गाड़ी पर आलो ना